पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल की अध्यक्षता में क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन गुरुवार को महाप्रबंधक बैठक कक्ष में किया गया। इस अवसर पर मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं प्रमुख मुख्य सिग्नल एवं दूर संचार इंजीनियर श्री कांत सिंह, सभी विभागाध्यक्ष, तीनों मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक, सभी मुख्य कारखाना प्रबंधक तथा राजभाषा विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे पर हिंदी का प्रयोग प्रसार काफी बड़ा है, अधिकांश मदों में हम लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि राजभाषा की बैठकों में रेलवे से संबंधित प्रमुख विषयों पर हिंदी में चर्चा होने से न केवल हिंदी में कार्य के प्रति रुझान बढ़ेगा बल्कि सभी को नए विषयों को समझने का एक अवसर भी मिलेगा। साथ ही साथ मौलिक रूप से हिंदी में सोचने, समझने एवं लेखन क्षमता का भी विकास होगा। महाप्रबंधक ने कहा कि सभी कार्यालयी कार्यों में तकनीकी का प्रयोग काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में हमें बड़ी सजगता के साथ भारत सरकार की संवैधानिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाना है। महाप्रबंधक श्री अग्रवाल ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे निरीक्षण के दौरान अपने विभागीय कार्यों के साथ हिंदी के प्रयोग का भी निरीक्षण करें तथा इसमें और अधिक सुधार लाने हेतु सुझाव दें। महाप्रबंधक राजभाषा की सामूहिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत कार्मिक विभाग, इज्जतनगर मंडल तथा यांत्रिक कारखाना गोरखपुर को प्रशस्ति पत्र एवं नगद पुरस्कार प्रदान कर प्रोत्साहित किया। इसके पूर्व महाप्रबंधक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत करते हुए मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं प्रमुख मुख्य सिग्नल एवं दूर संचार इंजीनियर श्रीकांत सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे में राजभाषा प्रयोग प्रसार की स्थिति अग्रणीय बनी हुई है। उन्होंने कहा कि हमें नवीन क्षेत्रों में भी राजभाषा प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना होगा। बैठक में मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल डॉ. सुरेश सैनी ने हिंदी साहित्यकार राहुल सांस्कृत्यन के जीवन दर्शन पर पावर पॉइंट के माध्यम से व्याख्यान दिया। राजभाषा अधिकारी ध्रुव कुमार श्रीवास्तव ने पिछली बैठक के कार्यवृत्त के प्रमुख निर्णयों के अनुपालन स्थिति के सदस्यों को अवगत कराया। उप मुख्य राजभाषा अधिकारी ए. पी. पांडे ने धन्यवाद ज्ञापन किया।